पोर्ट ब्लेयर शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप ले रही है। जहां पहले कभी इन द्वीपों के लोगों ने ट्रैफिक जाम का नाम नहीं सुना था, आजकल लगभग हर दिन कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखा जाता है, जहां पर लोग लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं, बढ़ती हुई गाड़ियों की वजह से पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पार्किंग की बढ़ती समस्या देखकर अंडमान लाइव ने अंडमान के कुछ प्रमुख लोगों से और पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के पार्षदों से बातचीत की और जानना चाहा कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। पार्किंग आज एक ज्वलंत समस्या है अंडमान में, मगर मैं ये नहीं मानता कि ये सॉल्व नहीं होने वाली समस्या है। पार्किंग एक समस्या है, बट इसका समाधान भी है। प्रशासन को हितधारकों के साथ बैठना है, बैठ के एक मैपिंग करना है, हर चीज़ का एक मैपिंग करना है। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है नेताजी स्टेडियम के पास, आपको उसको मल्टी स्टोरेड करना है। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ की पर्यटन बढ़ रही है, यहाँ के उद्योग बढ़ रहे हैं, तो समय के साथ आपको परिवर्तन करना होगा, एक मैपिंग करना होगा। 3-4 जगह हमें आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ पे मल्टी स्टोरेड पार्किंग बने, ये पहला कदम होगा पार्किंग से निजात दिलाने के लिए। मल्टी स्टोरेड पार्किंग, लोगों में अवेयरनेस, आज भी कुछ समय पहले देखा गया था लोगों में अवेयरनेस था, आज भी आप देखिए लोग अपनी गाड़ी ऐसी खड़े करके चले जाते हैं, पीछे 4 गाड़ी वहाँ और खड़ी हो सकती है या बीच रोड में खड़े, लोगों में अवेयरनेस कैंपेन चाहिए। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला मल्टी स्टोरी पार्किंग का इंट्रोडक्शन अंडमान में बहुत जरूरी है। आज नहीं, पहले से हम लोग पार्किंग के लिए म्यूनसिपल पूरा काम करता है, फिर भी फुलफिल नहीं हुई। अभी ये साल आके हम लोग पूरा पार्किंग अपना पहले प्राइवेट में टेंडर में दिया था, वो सब हम लोग अपना हैंड ओवर लेके म्यूनसिपल डिपार्टमेंट लिए अभी करता है। पार्किंग प्लेस अभी DC ऑफिस फॉर में था, मैक्सिमम हम लोग म्यूनसिपल में 36 पार्किंग प्लेस था टोटल म्यूनसिपल एरिया में। हम लोग पूरा हम लोग अपना हैंड में ले म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ले लिया, लेके हम लोग कलेक्शन करता है उसको। सुबह एक ड्यूटी, शाम को 12 बजे के बाद एक ड्यूटी डाल के कलेक्शन करता है। मैक्सिमम अभी डेवलपमेंट हो रहा है, पहले से अभी बेटर है। पार्किंग प्रॉब्लम आज नहीं, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आज म्यूनसिपल हम लोग DC ऑफिस और वार्ड काउंसिल सार नंबर में हम इस्लाम था, सप्ताह DC मैडम आया था, SP आया था, सब मिलके हम लोग इंस्पेक्शन ट्रैफिक सब मिलके इंस्पेक्शन किया था, सारा जगह देखा था। फिर अभी प्राइवेट बस स्टैंड का एक था सामने, इसे प्राइवेट बस स्टैंड सामने अनिको का एक जगह था, उनका वो थोड़ा जगह का लेके वो पार्किंग करने के लिए बहुत मैडम पूरा कोशिश करती, उसका पूरा होने से वो थोड़ा प्रॉब्लम जगह ज़्यादा था, वो जगह आने से पूरा मैक्सिमम वो ये बाजार के एरिया का फ्यूचर में हो जाएगा। इसके पहले फिर हम लोग ट्रक स्टैंड का हम लोग थोड़ा जगह का देखता, देख के दूसरा जगह शिफ्ट करके वो जगह में पूरा ये फुट बिल्डर्स का पूरा फुटपाथ क्लियर करने से इसे सामने गांधी पार्क सामने पूरा क्लियर हो जाएगा, पार्किंग बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर के लिए अभी सारा जगह में DC मैडम अपना लेवल में मीटिंग करती, हम लोग अपना म्यूनसिपल तरफ से सेक्रेटरी साहब हम लोग काउंसिलर तरफ से सब अपना मीटिंग करके कहाँ कहाँ पार्किंग एरिया उसके लिए पार्किंग हम लोग पार्किंग करने के लिए कोशिश करता है। ट्रैफिक के ऊपर बोलने के लिए जो कि आज बहुत बड़ी समस्या है अंडमान निकोबार आइलैंड का, हाल ही में मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम के ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड किया जिसमें लोकल बोन एसोसिएशन और जो वहाँ के वेंडर्स है, दुकानदार है, और एज ए वार्ड काउंसिलर DC मैडम ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं जाके वो मीटिंग अटेंड किया। तो मैडम ने कहा कि पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है बाजार के अंदर में, तो मैंने उनको न्योता दिया मैडम कि हम जाके फील्ड में इंस्पेक्शन करने से उसका रिपोर्ट निकलेगा। तो मैडम को मैंने 2-3 स्पॉट दिखाया, जैसा फ्रूट मार्केट है उसके बगल में वैन है, मैंने कहा फ्रूट मार्केट का पहले से मार्केट बनना हुआ तय है, वैन वालों का डिमांड है कि उनको एक जगह दे दिया जाए जिससे वो जगह वो खाली कर देंगे और वो जगह में फ्रूट मार्केट को ला दीजिए, वैन वालों को प्राइवेट बस स्टैंड में शिफ्ट कर दीजिए, तो वो जगह आपको खाली मिल जाएगा, तो वही पार्किंग में आ जाएगा। बहुत पुराना एक लैंड है, मैं समझता हूँ एक 1 हेक्टेयर करीब करीब एनिटको का एक लैंड है जो कि मोहनपुरा में स्थित है, जो कि जंगल बना पड़ा है, उसको हम लोग सफाई करके कुछ एंट्रेंस कर देने से, पार्किंग करने से बहुत सारे गाड़ी उसके अंदर में आ जाएगा। तो उसमें मैडम ने एनिटको के जनरल मैनेजर को कहा कि इसका एक NOC दे देते हैं, आप उसको एक स्टार्ट करिए, तो वो एग्री भी हुए। उसके बाद प्राइवेट बस स्टैंड के अंदर गए, वहाँ पे वैन रखने का बहुत काफ़ी बड़ा स्पेस है और बस मुश्किल से मैं समझता हूँ 20-25 बस है, और इसके साथ साथ ये वैन भी आ जाएगा वहाँ पर, तो एक शेप में आ जाएगा। तो जो फ्रूट मार्केट का जगह खाली होगा वो पार्किंग प्लेस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए टैक्सी स्टैंड है जो तिरंगा पार्क के सामने है, मुश्किल से मैं समझता हूँ 3 टैक्सी है और वो जगह ऐसी स्पेस पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा उसको
उसको भी यूटिलाइज करना है, उसको भी ऑटो वालों को डालना है। जैसा अगर कोई कपड़ा लेने आ रहा है, कोई शॉपकीपर से कोई मिलने आ रहा है, कोई कुछ खरीदने आ रहा है, तो गाड़ी वहाँ पार्किंग करके जा सकता है, ये एक रास्ता है। और दूसरा जो पार्किंग का वन वे करने का था, मैंने मैडम को कहा कि मैडम यहाँ घंटा घर के नीचे और ये तिरंगा पार्क है, यहाँ यहाँ से ऊपर जाने का सुविधा है, नीचे आने का सुविधा नहीं है, ये भी एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो मैडम ने कहा इसको वन वे कर दीजिए। तो ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितना भी पार्किंग है किसी को अलॉटमेंट नहीं है, बस वर्बली सब बोर्ड डाल के रखे हुए हैं। तो ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम को सॉल्व करना बोलना सबसे पहले पार्किंग को यूज़ करना और पार्किंग को एक तरीका में लेकर आना, तब जाके होगा। आज का ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है मैं समझता हूँ टोटली फेल है। ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं है, खाली मैं समझता हूँ जो भी है बस चल रहा है चल रहा है, कोई ऐसा ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखिए तिरंगा पार्क के सामने ट्रैफिक देखिए, खाली पुलिस वहाँ खड़ा है चालान के लिए, कोई ट्रैफिक का सुविधा नहीं है, खाली चालान ही मकसद नहीं है, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना मकसद है। और ऊपर से आप देखिए कि मतलब कोई रिकॉर्डेड नहीं है। आप देखिए जो जो प्राइवेट जो व्हीकल्स है, टूर ऑपरेटर वगैरह जो गाड़ी खड़ा करते हैं, वो उनका कोई ऐसा वहाँ पे वो जगह को अलॉट किया गया नहीं है, लेकिन वहाँ रखे है। तो ये तरीका का सब चीज़ को ठीक करना है, आपको फील्ड में उतर के काम करना है, बहुत सारे चीज़ों को सही करना है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अब करने जा रहा है और डीसी मैडम इसमें बहुत सहयोग कर रही है। और मैं समझता हूँ इसमें हमारा ट्रैफिक का DYSP साहब भी बहुत साथ दे रहे हैं। अभी जब से ये मीटिंग हुआ उसके बाद में सारे कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, उन लोग एक DPR बना रहे हैं, कैसा करना है क्या है, हमारा आर्किटेक्ट है उसमें, सारे लोग मौजूद हैं। तो मतलब थोड़ा दिन में आपको अंडमान बहुत अच्छा शेप में दिखेगा, ये मेरा बोलना है, मेरा अपील है। और पब्लिक से भी यही अपील है, आप गाड़ी को सही तरीका से रख के जाइए, मतलब किसी को दूसरा को तकलीफ नहीं होना वैसा करके जाइए। तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम को बहुत मेजर इशू है, इसको टेकअप करना होगा। और इत्तेफाक से मैं वही वार्ड का काउंसलर हूँ, तो इसलिए मेरा यही बोलना है एडमिनिस्ट्रेशन को और आपके माध्यम से भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ट्रैफिक को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पार्किंग को जिंदा करना होगा। गाड़ी दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर घर में कम से कम 5-5, 6-6 गाड़ी है, तो इसीलिए ये ध्यान देने की बात है। आजकल अभी नमन पॉपुलर में पॉपुलेशन एक तो बढ़ते जा रहा है और हमारा सिटी भी आगे बढ़ते जा रहा है, सिटी भी आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले भी वार्ड जैसे 18 था, अभी 24 हो गया, बहुत क्राउडेड सिटी हो गया। पार्किंग का तो इशू बहुत है, तो अभी हमारा जितना तक नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट 3 महीने में हम लोग 3 से 4 मीटिंग अटेंड किए एडमिनिस्ट्रेशन से, SDM साहब भी थे, हम लोग जो ट्रैफिक DSP थे, और कुछ कुछ लोकेशंस जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया पार्किंग के लिए। अभी मोस्ट ऑफ तो देखा जाएगा तो आप बाज़ार, अबडीन बाज़ार, जंगली घाट, बातू बस्ती, ये 3 एरिया ज़्यादा क्राउडेड है। उसमें अभी बातूबस्ती एरिया में लास्ट वीक हमें पार्किंग के लिए एक 715 स्क्वायर मीटर अलॉट भी किए हैं, क्योंकि बढ़ते हुए पार्किंग स्पेसेस नहीं है हमारे पास में। और ये पार्किंग को लेकर अब जो पोर्टलैंड म्यूनसिपल काउंसिल है ये भी काफ़ी काम कर रहा है। अभी जो नए सेक्रेटरी सर हमारे जो आए हुए हैं, जितने भी पार्किंग पहले आप देख रहे होंगे उसमें दुकान वगैरह चलता था और इसमें मेंटेन नहीं था, अभी सारा पार्किंग को फेंसिंग करवा रहे हैं, हर पार्किंग में 3 से 4 हमारे रेवेन्यू के स्टाफ डाल कर रखे हैं। पहले जो है हमारे यहाँ टेंडर हो जाता था तो उसको ठीक से मेंटेन नहीं होता था, तो पब्लिक उसमें जाते नहीं था। अभी आप बातू बस्ती पार्किंग ले लीजिए, DC ऑफिस का पार्किंग, तो बहुत बहुत काफ़ी अच्छा तरीका से उसको मेंटेन करके एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रहा है। तो लेकिन ये तो फ्यूचर में अब हर घर में गाड़ी होगी, आप देखेंगे हर घर में गाड़ी हो गया, तो इसमें और भी हमें आगे काम करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि लोकेशंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नया पार्किंग्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कमर्शियल एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें काम चल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी काम अच्छा होगा। पार्किंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब तो हमें गाड़ी मत लो तो नहीं बोल सकते, हम लोग गाड़ी तो इम्प्रूव होते रहेगा, आगे बढ़ते जाएगा। यही है कि लोकेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, नए नए पार्किंग्स बनाना पड़ेगा, जैसे कमर्शियल जोन है, जैसे बातू बस्ती वेजिटेबल मार्केट, जंगली घाट एरिया, अबडीन बाजार्स में, अभी रत्ना मार्केट है, रत्ना मार्केट में जाने के लिए पार्किंग कहीं पर भी नहीं है, तो उसको आपको पार्किंग का फैसिलिटीज देना पड़ेगा। जहाँ लोकेशन पीछे जगह है वहाँ मार्केट को डेवलप करना होगा, मार्केट को भी डेवलप करना है, पार्किंग स्पेसेस को भी डेवलप करना है। अभी जैसा बाजार स्टेडियम के बगल में एक पार्किंग बनाया हुआ, अच्छा पार्किंग है, उसी तरह नज़दीक नज़दीक में जितना रेवेन्यू लैंड है वो रेवेन्यू लैंड वेस्ट होकर इंक्रोच हो रहा है, अब देखते होंगे इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो वो सबको अवॉइड करके नया पार्किंग लोकेशन ढूंढ के पार्किंग को बनाना पड़ेगा। और बहुत से जगह ऐसा है जो कि वन वे नहीं है, तो दोनों तरफ से उसमें भी ट्रैफिक इशू हो रहा है, बात हुई स्थिर 11 एरिया में सब प्रॉब्लम्स है, तो इसमें जो है ट्रैफिक जो TSP ट्रैफिक उनको भी काम करना है कि लोकेशन से आइडेंटिफाई करके नोटिफाई कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप आर्ट करवा के पार्किंग नए नए पार्किंग को बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आज के डेट में जो जिस तरीके से व्हीकल प्रोक्योर हो रहा है और टूरिज्म जैसे फ्लरिश कर रहा है और साथ में प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए जितना इजी फ्लो है अभी, मतलब टू बाई ए व्हीकल,
ऑफ कोर्स फ्यूचर में तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग विद, बिकॉज करंटली जो नैरो रोड्स है और पार्किंग शॉर्टेज है, तो वी हैव टू कम ओवर इट. इट विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम. मेरे हिसाब से लगता है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी इवन फॉर द वाइट बोर्ड व्हीकल ओनर्स टू हैव अ पार्किंग, यू नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट व्हीकल्स दे हैव बीन, यू नो, टूरिस्ट और येलो बोर्ड कार्गो जो भी है उनको तो पार्किंग एरिया बताना पड़ता है और मैक्सिमम दे यूज पेड पार्किंग और या अपना पार्किंग जो डेजिग्नेटेड है वहीं पे पार्क करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इफ यू सी इवन इन बाजार और जंगली घाट एनी अदर प्लेसेस द मोस्ट कंजेशन इज मोर बाई द वाइट बोर्ड व्हीकल्स. So I think we have to take a lesson from other cities where this has been planned, and multiple parking, multi-storied parkings and all this can be created more places, and you know people should be aware. And ज़्यादातर आजकल current situation में traffic congestion होने का issue ये है कि लोग गलत तरीके से park करते हैं, वो भी है. So I think with the coordination of the local administration and Andaman Traffic Police, people should made aware ki park guard gaadi kaise park kare ye wagera. So I think this should be this can be dealt with, but it has to be done within 2-3 years of time only. So that future mein ye cheezon se congestion. Main khud hi Dolliganj mein rehta hu, abhi wo Airport Lane Road mein kaam chal raha hai. So usually it takes about 11 minutes I see in my car to reach to office, but nowadays it takes 25-30 minutes, and lot of people who goes to airport also, they are delayed. 1.5 ghante 2 ghante pehle nikalna padta hai, to aadha ghanta to unko usi road pe nikal jata hai. So it is a problem, but development ke liye ho raha hai, wo pipeline change ho raha hai, to it is also welcome. Thoda development ke liye sabko takleef to lena hi padega. पार्किंग प्रॉब्लम का एज आई सेड लाइक इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी वन, नॉट जस्ट द टूरिस्ट व्हीकल, बिकॉज इफ यू सी ऑल द पेड पार्किंग और द डेजिग्नेटेड पार्किंग इन द म्युनिसिपल एरिया, यू नो, यू विल सी लॉट ऑफ लॉरीज, येलो बोर्ड व्हीकल्स आर पार्क, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंजेशन इज हैपनिंग बाई, इवन इफ यू सी द बाजार एरिया एज आई मैंशन अर्ली, अबडीन बाजार जो मेन कंजेस्टेड होता है, जंगली घाट एरिया, बातू बस्ती, ये मेजॉरिटी ऑफ द कंजेशन इज हैपनिंग ड्यू टू पीपल आर नॉट अवेयर वेयर टू कीप, यू नो, इवन इफ देर इज डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ पार्किंग इट इज नॉट इनफ. सो क्रिएटिंग मोर प्लेसेस एंड पीपल अवेयर कि यहाँ पार्क करने से कंजेशन होता है, आपकी एक गाड़ी रखने से 10 गाड़ी और ब्लॉक हो जाता है. तो फाइनिंग, ऑफकोर्स फाइनिंग पीपल दोज हु आर नॉट following the parking rules is of course it has to be there, but making people aware and making more infrastructure for parking is equally important.